हेलो, मेरा नाम है संच और आप देख रहे हैं टेक बार। आज आप लोगों से मैं बात करने वाला हूँ Realme 3 Pro वर्सेस Vivo Z1 Pro के बारे में। अब इन दोनों फोन के साथ यार मैंने बहुत ही ज्यादा टाइम स्पेंड किया और तब जाके मैं कंक्लूड कर पाया हूँ कि एग्जैक्टली मैं कौन सा फोन ज्यादा अच्छा है। हर चीज के बारे में डिटेल में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं परफॉर्मेंस से। अगर मैं बात करूँ Vivo Z1 Pro के बारे में तो हमें इसमें स्नैपड्रैगन 712 देखने को मिल जाता है और वहीं पर Realme 3 Pro में स्नैपड्रैगन 710 देखने को मिल जाता है। अब जो Vivo में स्नैपड्रैगन 712 है वो नया है और थोड़ा सा एफिशिएंट भी, मैं इसको बोलना चाहूंगा तो यहाँ पर ये हल्का बेटर निकल कर आता है। बट मेरे हिसाब से परफॉर्मेंस में सबसे मेन चीज निकल कर आती है स्टोरेज। अगर स्टोरेज की स्पीड ज्यादा ना, फिर तो आपकी ऑटोमेटिकली भाई स्मूथ परफॉर्मेंस मिलेगी, ऐप जल्दी खुलेंगी, गेम जल्दी लोड होंगे, तो यहां पर स्टोरेज स्पीड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट निकल कर आती है। तो मैंने दोनों डिवाइस में स्टोरेज के स्पीड टेस्ट रन किए थे और यहां पर Vivo Z1 Pro में ऑलरेडी 360 MB/s की हमें रीड स्पीड देखने को मिली है और यह बेटर निकल कर आती है Realme 3 Pro से। तो इसकी वजह से अगर आप कोई भी गेम खोलते हो या फिर बहुत सारे ऐप्स लगातार खोलकर मैं आप लोग को दिखाऊं तो आपको ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा कि Vivo का जो ऐप लोडिंग टाइम है वो बहुत ही कम निकल कर आता है और ये ज्यादा स्मूथ परफॉर्मेंस देता है। तो यहां पर भाई सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है स्टोरेज स्पीड। अगर मैं आगे बढ़ूं और आप लोगों को बताऊं रैम मैनेजमेंट के बारे में, तो यहां पर मैं बहुत ही शॉक हुआ था देखकर कि Vivo सारी ऐप्स रैम में रखता है। अगर मैं इसमें कुछ भी खोलूं, चाहे कितने बड़े बड़े गेम्स क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो, ये सब कुछ हमारे Vivo की रैम में रहती है। और वहीं पर Realme 3 Pro जो है ना, बड़ी बड़े जितने भी गेम्स होते हैं, फिर बहुत हैवी जो ऐप्स होती है, उनको किल कर देता है बैटरी बचाने के लिए मेबी। तो ये यहां पर बहुत ही बड़ा डिफरेंस निकल कर आया। अगर मैं बात करूं गेमिंग परफॉर्मेंस के बारे में, तो यहां पर अब मैं स्ट्रेट बता देता हूं कि Realme की परफॉर्मेंस थोड़ी सी बेटर निकल कर आई है। बट इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि जो Vivo है लेटेस्ट फोन है और जो इसमें हमें चिपसेट देखने को मिलता है, मे बी हो सकता है गेम डेवलपर्स ने अभी तक उसके लिए मतलब अच्छे से ऑप्टिमाइज ना करा हो गेम्स को स्नैपड्रैगन 712 के लिए। तो ये हो सकता है फ्यूचर में Vivo ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता चला जाए। नहीं तो अभी मैंने इसमें पबजी खेलकर देखा था दोनों फोनों में और सीरियसली मैं बता रहा हूँ कि हमें Vivo के अंदर इतने सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। आपको नहीं पता तो हमें इसमें गेम मोड 5.0 देखने को मिलता है और बहुत सारी गेम्स की सेटिंग्स मिल जाती है। अगर आप चाहते हो भाई क्विक टॉगल ऑन करना तो आप वो भी कर सकते हो। हमें उसमें जब पबजी खेलोगे तो आपको क्विक एक्शंस देखने को मिलेंगे। तो ये चीज़ मेरे को बहुत ही हेल्पफुल लगी मेरे को। अगर मैं बात करूँ इनकी हीटिंग इशूज़ के बारे में, तो भाई मेरे को तो दोनों फ़ोन में कोई भी दिक्कत नहीं हुई, मैंने काफ़ी देर तक गेम खेला है। और हाँ, अब बात कर लेते हैं एंड्रॉयड सिस्टम के बारे में, और यहाँ पर हमें दोनों ही फोन में कस्टम यूआई देखने को मिल जाती है। अभी पिक करने वाली बात हो जाती है। रियलमी के अंदर हमें कलर ओएस मिलती है जो कि मेरे को कुछ खास नहीं लगती। इनफैक्ट मेरे को फन टच ओएस भी अच्छी नहीं लगती जो Vivo में देखने को मिलती है। बट ये कि जो Vivo के आइकन्स हैं वो थोड़े से बेटर निकल कर आते हैं और रियलिस्टिक से लगते हैं, तो इसलिए मेरा पिक यहां पर फिर से Vivo की तरफ जाता है। नहीं तो भाई बहुत दोनों यूआई जो है बहुत ही अच्छे से ऑप्टिमाइज करी गई है। और हाँ, एक बात मैं बता देता हूँ कि फीचर्स आपको दुनिया भर के देखने को मिल जाएंगे दोनों फोन के अंदर, आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। अब मेन पॉइंट पे आता है कि परफॉर्मेंस किसकी ज़्यादा अच्छी है। तो भाई अगर मैं अपने ओपिनियन की बात करूँ तो अभी तक आप लोगों को समझ आ गया होगा कि Vivo Z1 की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी निकल कर आती है, चाहे वो रैम मैनेजमेंट हो, गेम लोडिंग हो या फिर स्टोरेज की स्पीड, हर जगह पर इसकी परफॉर्मेंस बेटर निकल कर आती है। और अगर आपको तक वीडियो पसंद आ रही हो तो नीचे लाइक बटन मिलेगा यार, उसको क्लिक कर देना, बड़ी मेहनत लगती है इन में, और सब्सक्राइब भी कर लो क्योंकि मैं ऐसी वीडियोज़ लाता रहता हूँ। अब बात करते हैं बैटरी के बारे में। हमें Realme 3 Pro के अंदर 4045 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है और Vivo Z1 Pro में 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। और Vivo के अंदर बड़ी बैटरी सिर्फ बोलने के लिए यार इसका बैटरी बैकअप कुछ ज्यादा ही निकल कर आता है। मैंने इसकी टेस्टिंग की यार, ये पूरा 2 दिन तक फोन चलता रहा और फिर भी 10% बैटरी बच गई। और वहीं पर रेफरेंस के लिए बताऊं तो भाई ये 1.5 दिन चला, मतलब इतना ज्यादा फर्क निकल कर आता है दोनों फोन की बैटरी के अंदर। और अगर मैं बात करूं चार्जर के बारे में, तो हमें बॉक्स के अंदर Realme 3 Pro के साथ 20W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है और Vivo के साथ 18W का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। तो ऑब्वियसली भाई जो मतलब Realme का चार्जर है थोड़ा सा फास्ट निकल कर आता है। और चार्जिंग टाइम की बात करूं तो Realme 0 से लेके 100% चार्ज 1 घंटे 14 मिनट में हो जाता है और वहीं पे Vivo जो है पूरे 2 घंटे अराउंड 20 मिनट ले लेता है फुल चार्ज होने में। और हाँ भाई, ऑब्वियसली Vivo जो है थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेता है बट इसकी बड़ी बैटरी है। बट मैं आप लोग को बता देता हूँ जो Vivo का बैटरी बैकअप है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा निकल कर आता है और मैं बहुत ही शॉक हुआ था इसका मतलब रिजल्ट्स देखने के बाद। तो यहाँ पर स्ट्रेट विनर जो है Vivo ही है। अब बात करते हैं कैमरे के बारे में। Vivo Z1 Pro के अंदर 16+8+2 megapixel का ट्रिपल कैमरा देखने को मिल जाता है और वहीं पर Realme 3 Pro में 16+5 megapixel का डुअल कैमरा देखने को मिल
मिल जाता है। अब यहाँ पर ऑब्वियसली भाई वीवो एक बहुत बड़ा एडवांटेज लेके जाता है कि इसके अंदर हमें अल्ट्रा वाइड कैमरा देखने को मिल जाता है, मतलब अल्ट्रा वाइड लेंस लगा हुआ है इसके अंदर जो कि अच्छा काम करता है। अगर मैं कैमरा यूआई के बारे में बात करूँ तो दोनों की यूआई बड़ी सिंपल सी और हर एक फीचर हमें देखने को मिल जाता है, चाहे वो स्लो मोशन हो, टाइम लैप्स हो, प्रो मोड भी हमें देखने को मिल जाता है, नाइट मोड भी है और हाँ भाई 4K का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। बट क्वेश्चन ये आता है कि इमेज क्वालिटी किसकी ज्यादा अच्छी है, तो मैं आप लोग को कैमरा सैंपल दिखाता हूँ। ये सबसे पहली फोटो देखो, ये मैंने पोर्ट्रेट मोड खींचा है पूरा सनलाइट के अंदर, डायरेक्ट मेरे फेस पर सनलाइट आ रही है इस वाली फोटो के अंदर। और यहाँ पर रियलमी 3 प्रो में कुछ ज्यादा ही सेचुरेशन बढ़ा दी है और जो मेरी स्किन टोन है वो बहुत ज्यादा येलो कर दिया है, इतनी ज्यादा येलो नहीं है। और वहीं पर अगर मैं बात करूँ वीवो के बारे में तो यार इसने बहुत ही नेचुरल कलर मेंटेन की है और जो मेरी स्किन टोन है इसमें ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। और अगर मैं आप लोग को जूम कर दिखाऊं तो यहाँ पर जो वीवो है उसके अंदर हमें कुछ ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है। अगर आप मेरी दाढ़ी पे नोटिस करोगे तो बहुत सारी डिटेल हमें देखने को मिल जाती है। तो भाई मैं अगर नेचुरल कलर पसंद करता हूं तो भाई यहाँ पर वीवो Z1 Pro मेरे अकॉर्डिंग विनर निकल कर आता है। अब मैंने कंफर्म करने के लिए फिर से पोर्ट्रेट मोड से फोटो खींची है, बट इस बार रियलमी ने कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म किया है। इस बार भी सेचुरेशन बहुत ज्यादा है, बट ये कि इस बार ना स्किन टोन इसने ठीक मेंटेन किया है, ज्यादा येलो नहीं है और आई कैची फोटो भी भाई रियलमी की लग रही है। अगर मैं बात करूँ वीवो के बारे में तो फिर से हमें न्यूट्रल कलर देखने को मिलते हैं और मुझे सच बता रहा हूँ ये वाली फोटो भी बहुत ज्यादा पसंद आई है। इसके अंदर शार्पनेस बहुत ज्यादा, अगर आप लोगों को मैं जूम कर दिखाऊं तो वीवो के अंदर आपको बहुत सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो भाई अगर आपको बहुत ही अट्रैक्टिव सी फोटो चाहिए तो भाई वो रियलमी की है, अगर आपको शार्प फोटो चाहिए तो वो वीवो की है। मेरे को पर्सनली यहाँ पर रियलमी ज्यादा पसंद आया है। अब ये वाली फोटो मैंने आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में पोर्ट्रेट मोड से खींची और यहाँ पर भाई रियलमी ने कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर दिया है। और यहाँ पर अगर मैं आपको जूम कर दिखाऊं तो आंखों में शार्पनेस देखो यार रियलमी में कितनी ज्यादा निकल कर आती है। और अगर मैं बात करूँ स्किन टोन के बारे में तो फिर से भाई रियलमी ने इस बार कुछ ज्यादा अच्छा काम किया है, सेचुरेशन ज्यादा बढ़ाई नहीं है। मेरे को ओवरऑल फोटो जो है रियलमी की ही पसंद आई है और ब्लर भी बहुत अच्छा है, एज डिटेक्शन दोनों ही फोन में अच्छी है, बट मेरे अकॉर्डिंग भाई रियलमी की ओवरऑल फोटो ज्यादा अच्छी निकल कर आती है। अब ये वाली फोटो मैंने डायनेमिक रेंज टेस्ट करने के लिए खींची है और यहाँ पर डायनेमिक रेंज तो दोनों ही फोन की बिल्कुल इक्वल निकल कर आती है, कोई कम ज्यादा नहीं है। बट मैं आप लोग को बता देता हूँ कि रियलमी ने इतनी ज्यादा सेचुरेशन बढ़ा दी है, इतने ज्यादा कलर्स को बूस्ट कर दिया है कि ये फोटो बिल्कुल भी नेचुरल नहीं लग रही, नेचुरल छोड़ो आर्टिफिशियल प्लांट लग रहा है ये। और वहीं पर वीवो ने एटलीस्ट जो है थोड़ा न्यूट्रल कलर्स को रखा है, नेचुरल रखा है, तो वो बेटर लग रही है इस वाले केस के अंदर। तो ये है कि रियलमी कभी कभी जो है बहुत ज्यादा सेचुरेटेड मतलब इमेज ले लेता है जो कि बिल्कुल भी मतलब ओरिजिनल नहीं लगती, अच्छी नहीं लगती। अब इस वाले केस में भाई मैं वीवो को ही मैं विनर समझूंगा। अब ये वाली फोटो मैंने डिटेल टेस्ट करने के लिए खींची कि कौन सा फोन ज्यादा अच्छी डिटेल कैप्चर करता है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों फोन ने बहुत अच्छा काम किया है, बट वीवो ने यार कुछ ज्यादा ही डिटेल कैप्चर करी है। अगर मैं आप लोग को जूम कर दिखाऊं तो आपको बहुत सारी ऐसी ऐसी डिटेल देखने को मिलेगी जो कि रियलमी में नहीं है। वहीं पर रियलमी ने फिर से सेचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ाई है, तो डिटेल के मामले में यहाँ पर वीवो विनर निकल कर आता है। अब ये वाली फोटो मैंने लो लाइट कंडीशन में खींची और यहाँ पर यार वीवो ने मेरे को कुछ ज्यादा सरप्राइज कर दिया है, काफी अच्छी फोटो निकल कर आई है यार। इसमें कलर्स भी काफी अच्छे है, डिटेल में हमें देखने को मिल रही है, शार्पनेस भी और नॉइज भी काफी कम है। वहीं पर रियलमी जो है थोड़ा सा धुंधला हो गया है। मैंने फिर से कंफर्म करने के लिए एक और फोटो खींची लो लाइट कंडीशन के अंदर ही और यहाँ पर भाई फिर से वीवो ने कुछ ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है, वाइट बैलेंस भी बहुत अच्छा मेंटेन किया और नॉइज भी थोड़ी कम है। और वहीं पर रियलमी ने यार फिर से थोड़ा सा बेकार परफॉर्म किया है। तो हाँ भाई यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि लो लाइट के अंदर हमारा वीवो ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। तो जैसे कि आप लोगों ने सैंपल में देखा, अगर आपको बहुत ही ओवर सैचुरेटेड तड़कती भड़कती फोटोज चाहिए हो तो भाई वो रियलमी 3 प्रो से देखने को मिलेगी। और अगर आपको नेचुरल फोटोज चाहिए हो जिसमें बहुत ही न्यूट्रल कलर हमें देखने को मिलते हैं और ज्यादा डिटेल देखने को मिल जाती है तो आपको वीवो पिक करना चाहिए। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरे के बारे में। सेल्फी के मामले में मुझे रियलमी 3 प्रो ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि स्किन टोन बहुत अच्छी मेंटेन करता है, हल्की सी रेडनेस होती है स्किन के अंदर, हल्का सी येलोइश टोन भी होती है, तो ओवरऑल जो स्किन है वो हमें रियलमी 3 प्रो में ज्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है। पोर्ट्रेट मोड में भी ब्लर ज्यादा अच्छा हमें रियलमी में देखने को मिल जाता है और वहीं पे वीवो के अंदर हमें डिटेल बहुत ज्यादा देखने को मिल जाती है। भाई मेरे अकॉर्डिंग फ्रंट कैमरे के अंदर रियलमी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। और अगर मैं बात करूँ वीडियो क्वालिटी के बारे में तो आप लोग को सैंपल दिखाता हूँ अभी। अभी साइड बाय साइड दोनों फोन से वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, लेफ्ट साइड में हमें वीवो Z1 Pro देखने को मिल जाता है, राइट साइड में रियलमी 3 Pro है। और मैं फोन को काफी शेक करते हुए मूव कर रहा हूँ और सच में यार दोनों फोन की स्टेबलाइजेशन बहुत ज्यादा कमाल की है। ये कि रियलमी में हल्की सी येलोइश टोन आ रही है, जो सामने वाली वॉल है ये ब्लू कलर की है, तो रियलमी में हल्के से कलर थोड़े से एक्यूरेट नहीं है। अगर मैं आगे चलकर बताऊं तो ये है मेरा नया सेटअप जहां बैठकर मैं वीडियो बना रहा हूं और ये मैंने नया माइक खरीदा यार, काफी अच्छा काम करता है सीरियसली। और यहां पर आते हैं थोड़ा सा फोकसिंग टेस्ट कर लेते हैं। तो यहां पर एक बार मैं वीवो से फोकस करता हूं
तो इसने हल्का सा टाइम लगाया फोकस ले करने में, और रियलमी ने तो ऑन द स्पॉट फोकस कर लिया। चलो भाई अच्छी बात है, दोनों का आप कैमरे की क्वालिटी देख ही चुके हो भाई, वीडियो मेरे हिसाब से दोनों स्टेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट कलर ज्यादा वीवो के अंदर एक्यूरेट आ रहे हैं। तो जैसे कि आप लोगों ने वीडियो सैंपल में देखा, वीवो के कलर थोड़े से ज्यादा अच्छे थे और थोड़ी सी डिटेल भी हमें ज्यादा देखने को मिली, तो मेरे को वीडियो क्वालिटी के अंदर वीवो ज्यादा पसंद आया। ओवरऑल मैं कैमरे के बारे में ये कहना चाहूंगा, अगर आपको न्यूट्रल फोटोज खींचनी है बहुत अच्छे नेचुरल कलर्स के साथ, तो वो वीवो में आपको देखने को मिलेगी। अगर आपको तड़कती भड़कती फोटोज चाहिए तो आपको रियलमी 3 प्रो में देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं डिजाइन के बारे में और लुक्स की बात करता हूं, हमें दोनों फोन जो है पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ देखने को मिल जाते हैं और बैक पैनल जो है ग्रेडिएंट फिनिश के साथ आता है। बट भाई मेरे अकॉर्डिंग वीवो का जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा बेटर निकल कर आता है। इसमें शाइनी जो बैक पैनल है इसका यार, वो कुछ ज्यादा अट्रैक्टिव लुक देता है, और ऊपर से जो कलर कॉम्बिनेशन है ये भाई मेरे को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। और पता नहीं क्यों वीवो में ना एक सॉलिड सी फीलिंग है, फोन थोड़ा सा चौड़ा है तो काफी ज्यादा सॉलिड फील होता है हाथ के अंदर। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कंफर्टेबिलिटी के बारे में, तो वो रियलमी 3 प्रो में हमें देखने को मिलती है। सीरियसली आप इस फोन को एक हाथ से आराम से यूज कर सकते हो, काफी कंफर्ट है इस फोन के अंदर। बट अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल फीचर्स के बारे में, तो भर भर के प्रैक्टिकल फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि ट्रिपल स्लॉट हमें दोनों फोन में देखने को मिल जाता है, आराम से चेक कर लो, तो ये मेरे को बहुत बेनिफिट वाली चीज लगती है। अच्छी बात तो ये है कि हेडफोन जैक हमें दोनों फोन में देखने को मिल जाता है, जिनका आउटपुट मैंने टेस्ट किया है काफी ज्यादा अच्छा निकल कर आता है। स्पीकर्स भाई बहुत मुश्किल है बोलना कि किसके ज्यादा अच्छे है, बिल्कुल बराबर आप बोल सकते हो। फिंगरप्रिंट स्कैनर की स्पीड भी बिल्कुल इक्वल निकल कर आती है दोनों फोन के अंदर, और ईयरपीस की लाउडनेस बिल्कुल सेम है। सीरियसली भाई बहुत अच्छा कंपटीशन दिया है दोनों फोनों ने एक दूसरे को, बट ये कि वीवो जो है थोड़ा सा बेटर निकल कर आता है, क्योंकि जो इसका बैक पैनल है वो बहुत ही ज्यादा क्लासी लुक देता है, और ऊपर से हम इसके अंदर ना एक एक्स्ट्रा बटन देखने मिल जाता है वीवो के अंदर, जिसको स्मार्ट की बुला रहा है वीवो, और अगर आप इसको प्रेस करते हो तो गूगल असिस्टेंट लॉन्च हो जाएगा। तो भाई वीवो में एक छोटा सा बेनिफिट भी है। और हां मैं बताना भूल गया, हमें रियलमी 3 प्रो के अंदर वाइड वाइन L1 देखने को मिल जाता है, और वहीं पे वीवो Z1 प्रो के अंदर हमें L3 देखने को मिलता है। और अगर मैं बात करूं ड्यूरेबिलिटी के बारे में, तो भाई मेरे हिसाब से दोनों फोन पे आपको भर भर के स्क्रैचेस देखने को मिलेंगे, तो मैं आपको मतलब यही सजेस्ट करूंगा कि दोनों फोन में केस लगाकर रखना, नहीं तो भाई मेरे को शिकायत करोगे बाद में आगे कमेंट सेक्शन में। तो मैं यही कहूंगा कि भाई दोनों फोन का लुक बहुत कमाल का है, बट पर्सनली मुझे वीवो Z1 प्रो कुछ ज्यादा ही पसंद आ गया। सीरियसली अपग्रेडेड वर्जन लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि लेटेस्ट फोन है। एक तो इसमें ट्रिपल कैमरा भी देखने मिल जाता, तो काफी भरा भरा बैक पैनल हो जाता है, तो भाई मेरा पिक जो है वीवो Z1 प्रो को ही जाता है। अब बात करते हैं डिस्प्ले के बारे में, रियलमी 3 प्रो के अंदर 6.3 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, और वहीं पे वीवो Z1 प्रो के अंदर हमें 6.53 इंच की LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है। सीरियसली भाई बहुत बड़ी है वीवो की डिस्प्ले। और अगर मैं बात करूं बेजल्स के बारे में, तो यहां पर भाई हर किसी को इंप्रेस जो है वीवो ही करने वाला है, क्योंकि हमें इसमें पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, और उसके साथ साथ भाई बेजल्स तो दोनों फोन के आप बराबर बोल सकते हो, चाहे चिन हो हेड हो वो बिल्कुल बराबर है, क्योंकि हमें वीवो के अंदर पंच होल कैमरा देखने को मिलता है, तो इसलिए भाई इसका विनर होना बनता ही बनता है। अगर मैं बात करूं डिस्प्ले क्वालिटी के बारे में, तो यहां पर फिर से वीवो बेटर निकल कर आता है। इसकी जो क्वालिटी है ना हल्की सी आप ऊपर ही बोल सकते हो रियलमी से। व्यूइंग एंगल्स जो है रियल उसके वीवो के ज्यादा अच्छे है, और कलर एक्यूरेसी दोनों की काफी कमाल की है, और ब्राइटनेस भी दोनों की बराबर आप बोल सकते हो। बट ये कि जो व्यूइंग एंगल्स है वो वीवो के थोड़े से बेटर निकल कर आते हैं, और ऑब्वियसली भाई इस पंच होल कैमरे की वजह से, जिसको वीवो इन डिस्प्ले कैमरा बुला रहा है, इसकी वजह से भाई मैं तो इसको विनर बनाना चाहूंगा। भाई फिर से यहां पर वीवो ही विनर निकल कर आता है। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में कि आपको कौन सा फोन पिक करना चाहिए। तो भाई ऑब्वियसली यार जो वीवो है अभी लेटेस्ट आया है, तो ये थोड़े बहुत एडवांस फीचर्स के साथ आता है। काफी सारे लोगों की डिमांड होती है बड़ी बैटरी की, वो हम इसमें देखने को मिल जाती है। पंच होल कैमरा है, बहुत ही अट्रैक्टिव डिजाइन है, ओवरऑल एक बेटर फोन निकल कर आता है वीवो Z1 प्रो, तो मेरी सजेशन इसको ही जाएगी। बट अगर आपके पास ऑलरेडी रियलमी 3 प्रो है, तो आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत ही कॉम्पिटेटिव फोन है दोनों, बहुत ही टक्कर के फोन आए हैं। सीरियसली भाई मेरे को लगा नहीं था कि रियलमी 3 प्रो का कोई भी कॉम्पिटिशन इतनी जल्दी आ जाएगा, बट ये कि अभी हाल फिलहाल के लिए मेरी सजेशन जो है वीवो Z1 प्रो को ही जाएगी। और अगर वीवो Z1 प्रो पहले आया होता, तो सीरियसली इसको किल नहीं कर पाता रियलमी 3 प्रो, मैं ये भी बता सकता हूं। बट ये कि भाई टेक्नोलॉजी ना आए दिन नई नई आती रहेगी, किस किस का वेट करते रहोगे। अगर आपको अभी हाल फिलहाल में कोई फोन खरीदना है, तो वीवो Z1 प्रो अभी के लिए बेस्ट ऑप्शन निकल कर आता है। और यहां पर वीडियो खत्म हो जाती है, अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज यार लाइक कर जरूर जाना, और सब्सक्राइब करके हमारी टैगिंग को ज्वाइन कर, हम लोग क्वालिटी भी रखते हैं। अगले मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।